अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। परिचय इंट्रोडक्शन। हम त्रिविमीय संसार में रहते हैं। जिन त्रिविमीय आकृतियों को हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं उन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मापा जा सकता है। कई बार हमें इन आकृतियों के अवयवों जैसे आयतन क्षेत्रफल आदि को मापने की आवश्यकता होती है। जैसे जमीन खरीदते बेचते समय मूर्ति बनाने में कितना सामान लगेगा पता करने में इत्यादि। त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन पता करने के पहले हम इन आकृतियों को खोलकर देखते हैं। बच्चों, हमने द्विविमीय आकृतियाँ एवं त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ा है। द्विविमीय आकृतियाँ जैसे वर्ग आयत वृत्त और त्रिविमीय आकृतियाँ जैसे गोला बेलन शंकु घन और घनाभ। हम द्विविमीय आकृतियों से त्रिविमीय आकृतियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास ये एक आयताकार शीट है। क्या इस आयताकार शीट से हम कोई घन बना सकते हैं या घनाभ? चलिए करके देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने इस आयताकार शीट पे ये कुछ वर्गाकार खाने खींच रखे हैं और अब मैं इससे एक घन बनाऊंगी। मैंने घन ही क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ वर्गाकार खाने खींच रखे हैं और हम जानते हैं कि घन की जो फलकें होती हैं वो वर्गाकार होती हैं। इसी प्रकार यदि हम आयताकार खाने खींचें तो उससे हम घनाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पर चलिए पहले हम घन बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे कटिंग करनी होगी, तो इस आयताकार शीट में कुछ कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह जिन खानों की हमें आवश्यकता नहीं है चलिए उन्हें काट कर अलग कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने कटिंग के बाद इस तरह 6 वर्गाकार खाने प्राप्त कर लिए हैं और अब हम इनको मोड़कर घन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमने इसको मोड़ लिया। तो ये क्या हुआ? ये देखिए, ये क्या बन गया? ये हो गया एक घन। घन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? उसमें 6 फलकें होती हैं, तो 6 वर्गाकार खानों से बनाया हमने, तो 6 फलक हो गई है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और कितने शीर्ष होते हैं उसमें? 8 शीर्ष। तो 8 शीर्ष कौन से हुए? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, अब बात करते हैं कोरों की, यानी कि उसकी भुजाएं। तो कितने होंगे कोर? 12 कोर। चलिए उसे भी गिन ले। तो देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, उसके बाद नीचे के फलक को ले लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार हमें 12 कोरें भी मिल गई। तो ये हो गया हमारा घन। ये घन हमने कैसे बनाया था? ये जो घन है ये हमने इस प्रकार की जो द्विविमीय आकृति हमें 6 वर्गाकार डब्बों से जो थी उससे हमने घन बनाया था, यही उस घन का पृष्ठीय जाल है। तो हर त्रिविमीय जो आकृतियाँ होती हैं उनके पृष्ठीय जाल होते हैं जिनसे वो बनी होती हैं। अच्छा, विकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही है, आयत और वर्गों के विकर्ण हमने देखे भी हैं, बनाए भी हैं। चलिए हम यहाँ पर भी यदि किसी एक फलक को ले लें तो वो फलक कैसा है? वर्गाकार है, तो उसका एक विकर्ण बना लेते हैं। फिर हम बात करेंगे घन के विकर्ण की। तो ये देखिए, इसके एक फलक पर मैं विकर्ण बना ले रही हूँ, ये बन गया। ये देखिए, ये एक विकर्ण बन गया, ये इस वर्ग का विकर्ण है। अब यदि हम घन का विकर्ण चाहते हैं, जिसे हम आकाशीय विकर्ण कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा? वो देखिए, वो इस प्रकार फिर से ये घन हम बना लें तो इस शीर्ष से यहाँ
यहाँ जो आपको ये शीर्ष दिखाई दे रहा है, ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाला, यानी कि ये जो शीर्ष हमने कहा, इस शीर्ष से इस शीर्ष को जो विकर्ण मिलाएगा उसे हम घन का विकर्ण यानी कि आकाशीय विकर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने एक और पृष्ठीय जाल बना लिया है। ये जो पृष्ठीय जाल है इससे हम बनाएंगे घनाभ। इसमें ये जो हमने खाने खींच रखे हैं ये आयताकार हैं, क्योंकि हम घनाभ की रचना करने जा रहे हैं और उसकी फलकें आयताकार होती हैं। देखिए अब हम इसमें कर देते हैं नंबरिंग। ये फलक 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गई 6 फलकें। बच्चों यहाँ नंबरिंग की आवश्यकता क्यों है हमें, ये देखिए इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी है। यहाँ पर हमें नंबरिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आयताकार जो फलकें होती हैं वो आमने सामने की फलकों को ज़रूरी है कि वो समान हो, तभी घनाभ की रचना होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहली फलक है ये तीसरी फलक के आमने सामने होगी, ये दोनों फलकें, इसलिए इनको समान होना चाहिए। दूसरी और चौथी फलक जो है वो आमने सामने होंगी, इसलिए उन्हें समान होना चाहिए। और ये पांचवी और छठवीं फलक आमने सामने होंगी। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखें जब आप ये पृष्ठी जाल बनाएं तो जो फलकें आपस में मिलेंगी उनकी कोरें समान होनी चाहिए, यानी कि उनकी कोरों की लंबाई समान होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये जो आपका ये जो फलक है इसकी ये जो कोर है इसकी लंबाई, ये जो पांचवी फलक की कोर की लंबाई, ये देखिए ये आपको इस तरह से मिलेगा, ये तो इन्हें समान होना चाहिए, तभी तो ये आप इस तरीके का घनाभ बना पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस पृष्ठीय जाल की रचना करें। इसके बाद अब हम इसे मोड़कर घनाभ बना लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने घन बनाया था, ये हमें एक घनाभ मिल गया, ये देख रहे ये। और इस घनाभ में भी बिल्कुल वैसे ही कितनी फलके हैं, 6 फलके, कितने शीर्ष, 8 शीर्ष, और कितनी कोरे, 12 कोरे। बात कर लें फिर से विकर्ण की, तो हर फलक में आपको विकर्ण मिलेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो हर फलक में हम विकर्ण खींच सकते हैं। और जब हम घनाभ के विकर्ण की बात करें तो वो किन शीर्षों को मिलाएगा, घनाभ के इस शीर्ष से, यदि देखिए ये घनाभ इस तरीके से बनेगा, तो घनाभ के इस शीर्ष से, ये जो शीर्ष है घनाभ का, इस शीर्ष से घनाभ के इस शीर्ष को मिलाने वाला जो विकर्ण होगा वो घनाभ का विकर्ण होगा, यानी कि आकाशीय विकर्ण होगा। पेज नंबर 348 करके देखें। पहला, पुट्ठे के घनाकार डिब्बे लीजिए और उनकी कोरों को काटते हुए अलग अलग ढंग से खोलिए। आप कितने प्रकार के विभिन्न खुली यानी कि समतल आकृतियां पाते हैं। दूसरा, घन का पृष्ठीय जाल यानी कि नेट बनाइए। हम पुट्ठे के घनाकार डिब्बे से 11 भिन्न भिन्न पृष्ठीय जाल प्राप्त कर सकते हैं। एक घनाभ का पृष्ठीय जाल कैसा होगा। तीसरा, एक पुट्ठे से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार डिब्बा तैयार कीजिए। चौथा, एक पुट्ठे का घनाभाकार डिब्बा तैयार कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। घन और घनाभ के भाग, पार्ट्स ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। पहला, घन और घनाभ के पृष्ठ, कोर और शीर्ष, फेस, एज एंड वर्टेक्स। पिछली कक्षाओं में हम घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम घन और घनाभ के भागों के बारे में जानेंगे। पता लगाएं, एक्सप्लोर। दिए गए घन और घनाभ के चित्र को देखिए। यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच घनाभ और पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू घन है। घन और घनाभ का नामकरण शीर्षों के आधार पर होता है। क्या आप घन और घनाभ के पृष्ठ, कोर और शीशों को गिनकर उनके नाम बता सकते हैं। घन या घनाभ के पृष्ठों व शीशों के बीच क्या संबंध है। आकृति 7 व 8 का अवलोकन करते हुए मित्रों से चर्चा करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें।
आपके अवलोकन के बिंदु निम्नलिखित हैं। दिए गए घनाभ ए बी सी डी ई एफ जी एच के कुछ अवलोकन एवं संबंध। घनाभ के 8 शीर्ष हैं जो ए बी सी डी ई एफ घनाभ में सम्मुख हैं, जैसे ऊपर दिए घनाभ आकृति 7 में कोर ए बी व डी सी, ई एफ व एच जी आदि सम्मुख कोर बराबर हैं। घनाभ के 6 पृष्ठ हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ए एफ जी बी जी ई एच सी ए एफ ई डी और बी जी एच सी हैं। ए बी सी डी और ई एफ जी एच आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार ए एफ जी बी और जी ई एच सी ए एफ ई डी और बी जी एच सी बराबर हैं। आकृति 7 व 8 का अवलोकन करें और बताएं कि कौन कौन सी कोरों की लंबाइयां और कौन कौन से पृष्ठ आपस में बराबर हैं। दूसरा, घन और घनाभ के विकर्ण, डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, चौक के डिब्बे व कक्षा की आकृति कैसी है? सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि घनाभ जैसी है। तब शिक्षक ने 5 विद्यार्थियों को बुलाकर उन्हें चौक के डिब्बे में पेंसिल रखने को कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि पेंसिल किसी भी तल पर रखने पर डिब्बे में नहीं आती। ए बी सी डी ई एफ जी एच चौक का एक डिब्बा है। इस डिब्बे में पेंसिल को तल बी जी एच सी पर रखने पर हम देखते हैं कि पेंसिल डिब्बे के अंदर नहीं समा पाती, क्योंकि पेंसिल की लंबाई डिब्बे की लंबाई से अधिक है। तब क्या पेंसिल को डिब्बे के अंदर रखा नहीं जा सकता? लेकिन यदि पेंसिल को बी जी एच सी पर इस प्रकार रखें कि उसके सिरे बी एच या जी सी की ओर हों, तब एक संभावना बनती है कि शायद पेंसिल डिब्बे में समा जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि बी जी एच सी में बी एच या जी सी की लंबाई बी जी व बी सी से अधिक है। एक चौक का या अन्य कोई खाली डिब्बा लेकर देखें जो घनाभ के आकार का हो। यदि पेंसिल को ऐसा रखने के बाद भी वह डिब्बे में समा नहीं पाती, तब क्या पेंसिल को रखने का कोई और तरीका हो सकता है जिससे पेंसिल के डिब्बे में समा सकने की संभावना हो? अब यदि पेंसिल को इस प्रकार रखें कि उसके सिरे डी जी या ए एच या एफ सी या ई बी की ओर रहे, तब हम देखते हैं कि पेंसिल के डिब्बे में समा जाने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यानी यह दूरी डिब्बे के अंदर की सबसे लंबी दूरी होती है। यह दूरी चौक के डिब्बे यानी कि घनाभ का आकाशीय विकर्ण है। यानी ए एच डी जी एफ सी ई बी घनाभ ए बी सी डी ई एफ जी एच के आकाशीय विकर्ण हैं। इन्हें हम घनाभ का विकर्ण कहते हैं। घनाभ ए बी सी डी ई एफ जी एच में उसके तल के विपरीत कोणों की दूरियां जैसे ए ई व डी एफ, डी एच व ई सी इत्यादि घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण हैं। तब शिक्षक ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों से कहा कि किसी घनाकार डिब्बे में धागे की सहायता से आकृति 9 में दर्शाई गई दूरियों D1, D2, D3 व D4 को माप कर देखें कि उनमें कौन सी दूरी सबसे अधिक है। इन दूरियों को हम क्या कहेंगे? D1, D2 और D3 को घनाभ का विकर्ण कहते हैं, परंतु D4 क्या है? क्या हम इसे भी विकर्ण कह सकते हैं? यह भी एक विकर्ण है, किंतु बाकी से अलग। यह घनाभ के किसी भी तल पर स्थित नहीं है। इस प्रकार D1, D2, D3 और D4 विकर्ण हैं, परंतु ये 2 भिन्न प्रकार के हैं। D1, D2, D3 किसी पृष्ठ पर बने विकर्ण हैं, इसलिए इन्हें पृष्ठीय विकर्ण कहते हैं, तथा D4 पूरे घनाभ में है, इसलिए इसे घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या आकाशीय विकर्ण कहते हैं।